हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल सीएससी मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के फिफ्थ टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम हम देखने जा रहे हैं, जो कि है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड वन इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा ऑपरेटिंग सिस्टम था नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और आज के लेक्चर में हम फिफ्थ ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप को समझेंगे, जो कि है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से आपको पता चल रहा है कि रियल टाइम का वर्क परफॉर्म किया जा रहा होगा इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो अभी जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चलिए इसके पॉइंट्स को हम समझते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्व रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम का मतलब पहले समझिए, अभी जो हो रहा है और होते हुए यूजर को दिख रहा है उसको रियल टाइम एक्टिविटी कहते हैं, और ऐसे रियल टाइम एक्टिविटी को जो सिस्टम डील करता है उसको रियल टाइम सिस्टम कहा जाता है। तो रियल टाइम सिस्टम को जो सर्व करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ओके, द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्स टू इनपुट इज वेरी स्मॉल। यहाँ पे क्या होता है, इनपुट जैसे कंप्यूटर सिस्टम को मिलता है तुरंत प्रोसेस हो जाता है, मतलब कि इनपुट मिलने से लेकर के प्रोसेस होने तक का जो टाइम गैप होता है वो बहुत कम होता है, और इसलिए ये बहुत फास्ट होता है। दिस टाइम इंटरवल इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम। इस टाइम इंटरवल को हम रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। मतलब कि रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, तो रिस्पॉन्स टाइम सिंपली इनपुट कब मिला और प्रोसेस कब हुआ। T1 टाइम पे इनपुट हुआ और यहां पे जिस टाइम पे प्रोसेस हुआ, सपोज करो टी प्रोसेस टाइम पे प्रोसेस हुआ और इनपुट कब मिला था सिस्टम को, Ti इनपुट टाइम हुआ, तो इसका जो डिफरेंस होता है सब्स्ट्रैक्शन को हम लोग रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। तो रियल टाइम वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे जो कि रियल टाइम एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे होंगे। अब देखो, रियल टाइम सिस्टम आर यूज्ड व्हेन देयर आर टाइम रिक्वायरमेंट दैट आर वेरी स्ट्रिक्ट। मतलब कि वैसे टास्क जो कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मैंडेटरी हैं, जहाँ पर टाइम का लैग नहीं होना चाहिए। अगर टाइम का लैग होता है तो टास्क पूरी तरह से बिगड़ सकता है, बर्बाद हो सकता है, वैसे टास्क में रियल टाइम सिस्टम का यूज किया जाता है। जैसे कि मिसाइल सिस्टम, मिसाइल सिस्टम को एग्जैक्ट जो टाइम होता है 10:05:15 पे लॉन्च करना है तो वो लॉन्चिंग हो जाना चाहिए। अगर थोड़ा भी सेकेंड लेट होता है तो हमारा जो एल्टीट्यूड है, जो भी लोकेशन पे हम मिसाइल भेज रहे हैं वहाँ पे मिसाइल नहीं जा पाएगा। मतलब ये बहुत स्ट्रिक्ट है टाइम के मामले में। ऐसे ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं ATC एयरपोर्ट पर, उनका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो भी रियल टाइम सिस्टम होता है। अभी मौसम का हाल क्या है, विंड स्पीड कितना है, जो अगर ठंड का मौसम है तो वहाँ पर फॉग कैसा है, विजिबिलिटी कितना किलोमीटर का है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पायलट तक पहुँचाना होता है। तो ये भी स्ट्रिक्ट है टाइम को लेकर के। अगर थोड़ा भी लेट से इन्फॉर्मेशन गया तो पायलट अपने लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर चला जाएगा और उसको मैसेज लेट से मिलेगा और कोई ना कोई हादसा हो सकता है। तो वहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो रियल टाइम सिस्टम होता है। ऐसे ही रोबोट्स जो होते हैं, जो ऑटोमेटिक अपना काम परफॉर्म करते हैं, वो रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं। तो रियल टाइम सिस्टम को मैनेज करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिंपली क्या कहते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब देखो, जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दो तरह के होते हैं, एक हार्ड रियल टाइम सिस्टम और दूसरा सॉफ्ट रियल टाइम ऑप्शन सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। तो नाम से क्या लग रहा है, हार्ड है यहाँ पे और यहाँ पे सॉफ्ट है।
हार्ड का मतलब यहाँ पे है स्ट्रिक्ट, मस्ट, और सॉफ्ट का मतलब है कि नॉट वेरी स्ट्रिक्ट बट कंपल्सरी, थोड़ा बहुत लेट होगा तो चलेगा सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में। लेकिन हार्ड रियल टाइम सिस्टम पे थोड़ा भी मिली सेकेंड का भी लैग नहीं होना चाहिए, कोई भी टास्क अपने एग्जैक्ट टाइम पे परफॉर्म होना चाहिए। रियल टाइम में ये बाउंडेशन होता है, लेकिन सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में ये बाउंडेशन नहीं होता है। टास्क तो परफॉर्म करना है, ये कंपलसरी है, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये लेस स्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, तो रियल टाइम सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम है मिंट फॉर एप्लीकेशन वेयर टाइम कॉन्स्टेंट आर वेरी स्ट्रिक्ट, जहाँ टाइम बहुत ही स्ट्रिक्ट है वहाँ पर हार्ड रियल टाइम सिस्टम का यूज किया जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप होता है, हार्ड रियल टाइम सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। अब जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखो एक फिगर बनाया हुआ है। इस फिगर में एक RTOS कर्नल है। ठीक है, RTOS कर्नल का मतलब R फॉर रियल, T फॉर टाइम, और OS का मतलब तो जानते हो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल है। देखो कर्नल क्या होता है, कर्नल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच का एक इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहाँ पे हार्डवेयर है। ठीक, और इस कर्नल को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर भी कहते हैं और हार्ट भी कहते हैं और मेन पार्ट भी कहते हैं। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी सर्विस प्रोवाइड करना है कंप्यूटर को तो वो कर्नल के थ्रू ही करेगा। अगर किसी हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देना है तो कर्नल के थ्रू ही हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन दे सकता है। चलिए तो जल्दी से अब हम लोग एडवांटेजेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं कि जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका एडवांटेजेज क्या है। तो देखिए मैक्सिमम कंजप्शन, यहाँ पर जो डिवाइस होता है टाइम होता है उसका मैक्सिमम कंजप्शन हो सकता है। टास्क शिफ्टिंग, टाइम असाइन फॉर शिफ्टिंग टास्क इन दिस सिस्टम आर वेरी लेस, मतलब कि कोई भी टास्क है टास्क को अलग अलग टाइम दिया गया है तो अलग अलग टाइम पे टास्क का शिफ्टिंग जो है ये बहुत ही कम टाइम में हो जाता है, मतलब टास्क शिफ्टिंग इसमें ईजी होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ओल्डर सिस्टम में 10 माइक्रो सेकेंड में एक टास्क शिफ्ट होता था दूसरे टास्क में, लेकिन अब 3 माइक्रो सेकेंड में ही शिफ्ट हो जाता है। मतलब जब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो 3 माइक्रो सेकेंड में ही जो टास्क का शिफ्टिंग है वो हो जाता है। ऐसे ही फोकस ऑन एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन पे ज़्यादा फोकस कर पाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इन द एम्बेडेड सिस्टम, जो भी एम्बेडेड सिस्टम होते हैं जहाँ पर रोबोटिक्स का वर्क होता है वहाँ पर भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया जाता है। ये एरर फ्री होता है, मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं होता है क्योंकि यहाँ हार्ड और सॉफ्ट का कॉन्सेप्ट है। मेमोरी एलोकेशन जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो डिसएडवांटेजेस भी इसके कुछ हैं, जैसे कि लिमिटेड टास्क, यहाँ पर बहुत ही कम टास्क को परफॉर्म किया जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। यूज हैवी सिस्टम रिसोर्स, बहुत ही हैवी सिस्टम रिसोर्स को यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि टास्क जो है अच्छे से परफॉर्म हो पाए। कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम होता है, डिवाइस ड्राइवर एंड इंटरप्टेड सिग्नल्स को यूज किया जाता है। ऐसे ही थ्रेड प्रायोरिटी होता है। ठीक है, तो ये सारे डिसएडवांटेजेज हैं।